ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी हिम्मत दी और क्या सलमान के सामने इमरान को किया गया नजरअंदाज, किस तरह सलमान मनवाते हैं अपनी बात को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर हो या टाइगर जिंदा हो, दोनों में टाइगर नाम का कोड इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से सब उन्हें टाइगर कह के बुलाने लगे और तभी से धवन खान का टैग हटाकर उन्हें टाइगर कहकर बुलाने लगे। अब ये फिल्म ना बनती तब भी वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के टाइगर ही होते, क्योंकि उन्हें वो खूबियां है। जिस तरह टाइगर पसंद आते हैं उसी तरह उनसे डर भी लगता है और यही होता है सलमान के साथ में भी। और इसी टाइगर की हर फिल्म में उनके फैंस के लिए एक इमोशंस हैं। अब इसी इमोशंस को वो वापस ला रहे हैं टाइगर 3 के साथ। वैसे टाइगर 3 का टीजर रिलीज होने के बाद जब सलमान और कैटरीना ऑडियंस के सामने आए तब सब ने उनका स्वाद से स्वागत किया, पर उसमें कहीं भी इमरान हाशमी दिखाई नहीं दिए। ऐसा क्यों? क्या इमरान हाशमी का किरदार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? यही सारे सवाल आपको सता रहे हैं ना? सवाल बिल्कुल सही है। इस टीजर के बाद सलमान और कैटरीना के फैंस तो खुश हुए, पर इमरान के फैंस थोड़े से नाराज हो गए। फैंस का कहना था कि टीजर में इमरान की एक झलक दिखानी चाहिए थी या फिर आवाज सुनानी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर फैंस कंपेयर करने लगे पठान और टाइगर 3 के टीजर को, क्योंकि पठान में A-list एक्टर जॉन भी एक एंटागोनिस्ट का किरदार निभा रहे हैं, पर उन्हें भी उतनी ही अहमियत दी गई। हाँ, ये बात सही है कि हर किसी का पेश करने का तरीका अलग होता है। अभी फैंस के लिए दिल में ये शक है कि इमरान के किरदार को भी सस्पेंस में रखा जा रहा है या सलमान की वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है। वैसे जानबूझकर तो नहीं कह सकते, पर जहां सलमान होते हैं वहां पर दूसरे एक्टर को थोड़ी कम अहमियत मिलती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि करियर में डायरेक्टर्स ने उनके सामने बाकी कलाकारों पर ज्यादा फोकस किया और उन्हें कैमियो के तौर पर बुलाकर सिर्फ नाम के लिए फिल्म का हिस्सा बनाया, इसी बात का शायद बदला ले रहे हैं। नजरअंदाज वाली बात कैटरीना कैफ के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो उनकी टाइगर्स है और आप तो जानते हैं कि सलमान के लिए कैटरीना कितनी खास है। वैसे इमरान के फैंस चाहते हैं कि सलमान के स्टारडम की वजह से कहीं इमरान कॉर्नर ना हो जाए या फिर आदित्य चोपड़ा भी सलमान की वजह से उन्हें इग्नोर ना करे। ये बात सच है कि ये फिल्म आदित्य चोपड़ा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर सलमान की सलाह के बिना तो कोई काम होगा नहीं और सलमान को भी अपनी बातें मनवाना अच्छी तरह से आता है। क्या आपको पता है कि एक था टाइगर के दौरान सलमान ने किस तरह आदित्य और डायरेक्टर कबीर खान को अपनी उंगलियों पर नचाया था? दरअसल फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए आदित्य सलमान को यशराज स्टूडियो बुला रहे थे, पर सलमान अपने पनवेल फार्म हाउस पर थे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं नहीं आ सकता, अगर स्क्रिप्ट रीडिंग करनी है तो मेरे पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही आ जाओ, यही होगी। फिर क्या, आदित्य और कबीर को वहां जाना पड़ा और तब जाके स्क्रिप्ट रीडिंग का काम पूरा हुआ। अब इसे क्या कहेंगे, भाईजान का जलवा, भाईजान के दहशत या फिर कुछ और? तो इसी तरह टाइगर 3 में भी सलमान की सलाह के बिना तो चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं। खैर जो भी हो, इतने इंतजार के बाद हमें एक जबरदस्त फिल्म देखने को मिले, यही उम्मीद करते हैं। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। वीडियो के बारे में आपकी राय बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।